हेलो एवरीवन, समर वेकेशंस चल रहे हैं और इस समर वेकेशंस में हम बच्चों की कुछ एक्टिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट सीखेंगे। इसमें मेरी मदद मेरा बेटा करेगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आदित्य गुप्ता। आज हम पेपर का क्ले बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले न्यूज़पेपर की ज़रूरत होगी। दो चार न्यूज़पेपर लेकर हम उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। इस काम में मेरा बेटा बहुत अच्छे से मदद कर रहा है। जब भी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी होती है तो आदित्य बहुत एक्साइटेड होता है सीखने के लिए। सारे न्यूज़पेपर को हम पानी में डिप करके रख देंगे। रात भर इसे भिगो के रख देना है। देखिए, मेरी न्यूज़पेपर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे 12 घंटे के लिए रात भर छोड़ देंगे। ये बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसका आटे का डो बनाएंगे। इसके लिए हमें फेविकोल की ज़रूरत होगी और 1 कप मैदा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे मिक्सी में पीस देना है। देखिए, ये बिल्कुल कुछ ऐसा बनकर तैयार होगा। इसमें बहुत सारा पानी है, इसे हाथों से निचोड़कर इसके अंदर के पानी को निचोड़कर हम तैयार करेंगे। ये कुछ इस तरह बनकर तैयार हो जाए। फिर इसमें हम 2 चम्मच फेविकोल, 1 कप मैदा डालेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम इसे आटे की तरह तैयार करेंगे। हमारा रॉ मटेरियल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसका डिस्पोजेबल कप और प्लेट बनाएंगे। हम 2-3 बर्तन ले लेते हैं और ऑयल से ग्रीस करते हैं। बर्तन के चारों तरफ से हमें ऑयल अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये बनने के बाद आसानी से निकल सके। आटे का रॉ जो है उसे हम थोड़ा थोड़ा लेकर हम बर्तन के चारों तरफ फैलाएंगे। ध्यान रखिए, कहीं इसकी मात्रा ज़्यादा और कम नहीं होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, आदित्य पूरे जोश से लगा हुआ है और वो भी पूरे मन लगाकर वो प्लेट तैयार कर रहा है। इसे अच्छी तरह से प्रेस करके इसे एक शेप देंगे, इसे एक आकार देंगे। साथ ही चम्मच की सपोर्ट से इसे हम एक नया लुक देंगे।
हमने सारे बर्तन बना के तैयार कर रखे हैं। अब इसे हम करीब 12 घंटा के लिए सूखने देंगे। देखिए ये बिल्कुल सूखकर तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूख चुका है। इसे डिफरेंट कलर से आप डेकोरेट यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।